घर वाले हमारे जयराम जी यार भैया जयराम भैया हाँ बैठिए कैसे पहुंचे भाई चले आया तो लिखा नर्सरी बेड कैसे बनाते हैं कैसे का करते हैं तेला समझ ले आए रहा हूँ हाँ और अभी तो बना ही नहीं है हमारे धान वान बीज ले आए हैं बना हुआ है चल बल को देख ले बना हूँ हाँ। तोरो बना ले भी तो हूँ हाँ हाँ चलता खेत में चली ना दिखाई दे भाई हाँ ठीक है चलता खेत में चली हाँ तीन चार बार जुताई करे ले पड़ते यार अच्छा भुरभुरी बनाए ले पड़ते इला नर्सरी बेड बना भी खैर जताई कर रही है सब हाँ बना हुआ भैया यार एक मीटर की फीता है हाँ बलिया की चौड़ाई चौड़ाई यह 10 मीटर की रस्सी है हाँ यह लंबाई है हाँ लंबाई है यह फावड़े है बलिया बनाने के लिए हाँ भैया ये है 1 एकड़ के लिए 1 किलो प्रमाणित उपचारित बीज और भैया ये बर्मी कंपोस्ट खाद है 5 किलो हाँ भैया भैया जी ये इतना सामान नर्सरी बेड बनाए इतना सामान लगता है हाँ भैया भैया नर्सरी बनाने के लिए 1 मीटर चौड़ाई फीता के सहारा ले लेते ये नर्सरी बेड की 10 मीटर लंबाई ये रस्सी के सहारा से नाप लेते हैं हाँ भैया फावड़ा के सहारा से मिट्टी को अपन ऊंचा कर देते हैं 15 सेंटीमीटर हाँ भैया प्रकार नर्सरी बेड के दूसरे तरफ 15 सेंटीमीटर इसको ऊंचा कर देते हाँ भैया नर्सरी बेड के दोनों तरफ अपन 1.5 फीट नाली हाँ भैया छोड़ देते हैं हाँ भैया हाँ भैया नर्सरी बेड के दोनों तरफ नाली कैसे बनाथन भैया नर्सरी बेड के दोनों तरफ नाली इसलिए बनाते हैं ज़्यादा बारिश कारण पानी निकल जाता है और पानी अगर रह गया नाली में तो उसको अपन पौधों में छिड़काव कर सकते हैं हाँ भैया भैया 1 मीटर चौड़ा 10 मीटर लंबा नर्सरी बेड तैयार हो गई अब अपन नर्सरी बेड में धान डाल सकते हैं और ज्यादा घना नहीं हाँ भैया घना होने से कारण क्या है भैया घना होने से क्या है जो पौधे की है मोटाई कम हो गई और उगना ही परेशानी हाँ भैया पतला हो गया हाँ Thank you.
हाँ, ये 5 किलो बर्मी कंपोस्ट खाद को अब इस बेड के ऊपर अपन डाल देंगे। हाँ भैया, नहीं भैया, नर्सरी बेड के ऊपर ये खाद ला कैसे मैं डाल? भैया, अपन नर्सरी बेड में ये खाद को अपन डाल देते हैं। हाँ भैया, तो पौधा अच्छा और स्वास्थ्य होता है। हाँ भैया। आप थरहा डाल बीज डाले हैं, कितना दिन में यह थरहल मैंने लगाई के लायक है जाए? हाँ भैया, ये पौधा 12 दिन तैयार हो जाता है, इसका अपन 14 दिन में रोपाई कर सकते हैं। हाँ भैया, नहीं भैया, नर्सरी बेड बनाने से क्या लाभ है भैया? भैया, नर्सरी बेड बनाकर अपन धान की रोपाई करते हैं तो कई लाभ हैं। हाँ भैया, पहला पॉइंट, जहाँ भैया अपन 50 किलो बीज लगाते हैं वहाँ 2 किलो बीज पर्याप्त हो जाता है। हाँ भैया। भैया, दूसरा, अपन नर्सरी बेड लगाकर जो रोपाई करते हैं तो पौधा स्वस्थ और अच्छा रहता है। हाँ भैया। हाँ भैया, तीसरा फायदा, भैया इस पद्धति से खेती करने में कम लागत में ज़्यादा उत्पादन होता है। हाँ भैया, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी दी। तोला बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, कि मोर खेत में मैं भी नर्सरी बेड बनाऊँ भैया, और दूसरा भी बताऊँ भैया। ठीक है भैया, धन्यवाद। इस प्रकार सभी किसान भाइयों को इस पद्धति से खेती करना चाहिए, क्योंकि इस पद्धति से खेती करने में कम लागत में अधिक उत्पादन होता है। सब भाई ने राम राम, मैं झांकी के रहैया, मोर नाम है एरे सिंह उद्दे, विकास खंड रमनापुर, जिला डिंडोरी। सब किसान भाइयों को मेरा राम राम, मेरा नाम झाम सिंह मरावी है, ग्राम झांकी का रहने वाला हूँ, संकुल समनापुर, जिला डिंडोरी। मैं लगभग 5 सालों से आजीविका मिशन से जुड़कर श्री विधि से खेती कर रहा हूँ।